साथ ही होते हैं। पंखा बंद करो तो पंखा बंद कर। बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ईवीएम बंडापोर परिवर्तन यात्रा 26 जून से जम्मू कश्मीर से निकली है और जम्मू कश्मीर से निकलकर पंजाब आई, पंजाब से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र में आई, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाएगी, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल से झारखंड, झारखंड से उड़ीसा, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, हैदराबाद। 13 दिसंबर को पहुँचे, 14 दिसंबर से 31 दिसंबर तक राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए ये परिवर्तन यात्रा स्थगित रहेगी और 1 जनवरी 2020 से साउथ इंडिया में कर्नाटका से शुरू होकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला होकर कन्याकुमारी पहुंचेगी और कन्याकुमारी में इस कार्यक्रम का समापन होगा। कन्याकुमारी के आगे भारत की कोई सीमा नहीं है, समंदर है, इसलिए वहां पर इस कार्यक्रम का समापन होगा। ये पहले चरण का अभियान आंदोलन है, दूसरे चरण का अभियान गुजरात से गुवाहाटी, जैसे जम्मू कश्मीर उत्तर भारत में है तो कन्याकुमारी दक्षिण भारत में है। ये जो परिवर्तन यात्रा है उत्तर भारत से निकलकर दक्षिण भारत जा रही और अगली परिवर्तन यात्रा गुजरात से निकलकर यानी पश्चिम भारत से निकलकर पूर्व में आसाम गुवाहाटी जाएगी। तो उत्तर से दक्षिण 180 लोकसभा में जाएगी और गुजरात से गुवाहाटी 180 लोकसभा में जाएगी, 360 लोकसभा हो गई। 140 लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा ये परिवर्तन यात्रा चलाई जाएगी, तो टोटल 500 लोकसभा में ये परिवर्तन यात्रा जाने वाली है और 2024 तक 11 लाख बूथ में हम लोग जिस प्लानिंग पर काम कर रहे हैं 11 लाख बूथ में ये परिवर्तन यात्रा पहुँचे, इस तरीके की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों, इस परिवर्तन यात्रा का, इस आंदोलन का जो स्वरूप हमने निर्धारित किया है उसके अनुसार इसके दो मकसद हैं, दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य है, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने मूल निवासी भारतीय लोगों को हिंदू और मुसलमान दो हिस्सों में बांटा था अंग्रेजों ने। जब ब्राह्मण विदेश से आए तो विदेश से आने के बाद ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, 1700 जातियां शेड्यूल कास्ट की है और 800 से ज्यादा आदिवासी है, 3743 जातियां ओबीसी की है,
मंडल कमीशन के अनुसार तो ये आंकड़ा 6000 से ज्यादा होता है, मगर 6000 भी अगर मान लिया जाए और अंग्रेजों के द्वारा हिंदू और मुसलमान दो हिस्सों में बांटा था, अगर इस दो आंकड़ों के आधार पर 6000 का भागाकार कर लो तो आंकड़ा निकलता है 3000 का। तो ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है। ब्राह्मणों के सरनेम चाहे कुछ भी हो, मगर उनको एक ही सरनेम दिया जा सकता है, वो है गोड़ बोले। सभी लोग गोड़ बोले हैं, मीठा बोलकर वो हमारे लोगों को गधा बनाने का कार्यक्रम में लगे रहते हैं। तो इन लोगों ने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। हम बटे हुए लोग नहीं, बांटे हुए लोग हैं। बटे हुए का मतलब हम अपने से बटे हुए नहीं है, हम बांटे गए ब्राह्मणों के द्वारा बांटे गए लोग हैं। और ये षड्यंत्र ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के पहले किया, तो ये बांटे गए लोगों को जगाना होगा, जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, जोड़कर शक्ति का निर्माण करना होगा और शक्ति का उपयोग और प्रयोग मुक्ति और आजादी हासिल करने के लिए करना होगा। ये हमारा पहला मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि इस देश में 2004 से ईवीएम मशीन लाई गई है। ये लाने का काम 84 में इंदिरा गांधी ने किया, अभिषेक मनु सकवी ने संसद में इसका प्रस्ताव रखा, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका समर्थन किया और सीताराम येचुरी जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव है अभी, उन्होंने उसका समर्थन किया। तीन ब्राह्मणों ने मिलकर ए ईवीएम मशीन का संसद में रेजोल्यूशन पास किया। ब्राह्मणों ने ही क्यों किया, क्योंकि ब्राह्मण ऐसा सोचते हैं कि देश में ईमानदारी से अगर चुनाव हुआ तो ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकते, सरपंच बनाने का सवाल नहीं है, उनको ऐसा लगता है। जो लोग ईमानदारी से सरपंच नहीं बना सकते वो लोग देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं, प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को नॉमिनेट किया और मनमोहन सिंह अपने जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़े, राज्यसभा में नॉमिनेट किए। क्योंकि हमारे भोले शंकर लोगों को जानकारी रहती नहीं है। भोले शंकर समझते हो क्या? भोले शंकर पहले शंकर ही था, भोला शंकर नहीं था। जब पार्वती ने शंकर को फंसाया तो शंकर भोला शंकर हो गया। पार्वती जो थी वो ब्राह्मण थी, ब्राह्मण ने फंसाया शंकर को तो शंकर भोला शंकर हो गया। तो शंकर तो केवल शंकर था, वो भोला शंकर नहीं था। तो भोला शंकर जो है वो हमारे लोगों का प्रतिनिधि है, तो हम लोग जो है भोला शंकर लोग हैं। मालूम है नहीं, जानकारी है नहीं। ये जो नरेंद्र मोदी है बीजेपी ने प्रधानमंत्री बनाया, ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। अंग्रेजी में बाबा साहब अंबेडकर ने शब्द यूज किया नॉमिनेट,
The nominated Prime Minister is not a real Prime Minister of India. He is a nominated Prime Minister of India and nominated by Brahmins. ये ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेट किया हुआ है। ये अंग्रेजी का शब्द है, आपको समझ में नहीं आया है, इतना आसान नहीं है। मैं आपको देहाती भाषा में बताता हूँ तो आपको समझ में आए। मैं देहात का रहने वाला हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। गांव में शादी होती है, जो उदाहरण बता रहा हूँ मैं पहले से ही महिलाओं से माफ़ी मांगता हूँ। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता इसलिए बताना पड़ रहा है। गांव में शादी होती है तो जिसने शादी किया होता है वो परिचय देता है, ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो दूसरा आदमी पूछता है, ये कौन है? ये तो ऐसी ही रखी हुई है। ये कौन है? ऐसी ही रखी हुई है। ये नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री। तो नॉमिनेटेड आपको समझ में नहीं आया, मगर देहाती समझ में आया कि नहीं आया? देहाती जो है तो भाषण करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना। समझना ज्यादा जरूरी है, इसलिए उदाहरण देकर आपको बताया कि देश में एक बैकवर्ड आदमी प्रधानमंत्री बना, बीजेपी ने बनाया। कांग्रेस के ब्राह्मणों ने एक माइनॉरिटी को बनाया, मनमोहन सिंह को। तो हमको लगता क्या है, अरे कितने प्रगतिशील लोग हैं भाई ब्राह्मण, कांग्रेस के उन्होंने माइनॉरिटी को प्रधानमंत्री बनाया, और बीजेपी वाले कितने अच्छे लोग हैं, इसने बैकवर्ड को प्रधानमंत्री बनाया। ये नॉमिनेटेड है, और ये नॉमिनेट होने के बाद हमारे ही विरोध में फैसले करते रहते हैं, क्योंकि फैसले करने का इनके पास अधिकार नहीं होता है। क्योंकि मराठी में आपको उदाहरण देके बताता हूं, देहात में खेती में फसल आती है, फसल को दाने आते हैं तो पंछी आते हैं और दानों का नुकसान करते हैं। तो किसान क्या करता है, फटे पुराने कपड़े इकट्ठा करता है और लकड़ी में डालकर वो खेती में गाड़ देता है, ऐसा करता है। मैं भी तो किसान का बेटा हूं ना, खेती में काम किया हुआ, हल चलाया हूं, इसलिए पता है ऐसा है। तो दूसरे दिन पंछी आते हैं और ये देखते हैं ऐसा, एक पंछी दूसरे पंछी को कहता है, देखा किसान है, अब किसान तो है नहीं, ये जो है एक किसान तो है नहीं, मगर एक पंछी, पंछी को क्या ज्ञान है, एक पंछी दूसरे पंछी को कहता है, देखा किसान है, पंछी दूसरे पंछी को कहता है किसान है, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी है। मजे मराठी मध्ये आपण बुजगाव ना म्हणतो ना, बुजगाव ना है, बुजगाव ना। नरेंद्र मोदी का नाम मैंने बदल दिया नरेंद्र बुजगांव ने। आज से मोदी का नाम बुजगांव ने। तो ये उन लोगों ने दिखाने के लिए, जैसे किसान दिखाने के लिए बनाते हैं, वैसा ये ब्राह्मणों ने दिखाने के लिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, फैसले करने का अधिकार अपने पास रखा। साथियों, तो ये सारा का सारा मामला जो है, इन लोगों ने ईवीएम मशीन जब लाई तो ईवीएम मशीन के द्वारा ये सारा मामला वो करवा रहे हैं। तो इसलिए साथियों, ईवीएम मशीन के द्वारा जो देश में चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में सारे देश के लोगों को
जानकारी देना जरूरी है, जानकारी नहीं है। लोगों के मन में आशंका है कि ईवीएम में घोटाला होता है, आशंका है, सबूत नहीं है। सबूत देने होंगे, लोगों को समझाना होगा, और इसलिए ये सारे देश भर में हमने ईवीएम का घोटाला पर्दाफाश करने के लिए ये सारे देश भर में परिवर्तन यात्रा निकाली। 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब है मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, पारदर्शी का मतलब है गोपनीय होगा, चुपके से होगा, छुपाकर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया, इस निर्णय के अनुसार ये सिद्ध हो गया 8 अक्टूबर 2013 को, और ये किसी और ने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध किया। और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट काल्पनिक बात नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसकी कॉपी है, काल्पनिक नहीं है। मगर आप लोगों को इसलिए मालूम नहीं हुआ क्योंकि अखबार वालों ने, टीवी वालों ने खबर नहीं छापी। अगर अखबार और टीवी वालों ने खबर छापी होती तो आपको मालूम हो गया होता। अखबार वालों ने और टीवी वालों ने खबर नहीं छापी, इस वजह से आप लोगों को मालूम नहीं हुआ, और इस वजह से हमने ये सारा अभियान चलाया। साथियों, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो आज भाजपा का राज्यसभा का मेंबर है, उसने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की जिस पर यह निर्णय हुआ, और उसका यह कहना था कि 2004 और 2009 में ईवीएम मशीन में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता। सुप्रीम कोर्ट में जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा और जो सबूत दिया, बैठने दो, बैठने दो, ये कुर्सियां सब लोगों के लिए हमने रखी हुई है, कुर्सियों का तो झगड़ा है सारे देश भर में, वो हम लोग जो है कमजोर से कमजोर आदमी जो है उसके लिए कुर्सियां लगाते हैं, उधर मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी लगती है, मंत्री के लिए लगती है, हमने प्लान बनाए कमजोर लोगों के लिए, महिलाएं कमजोर हैं उसको भी कुर्सी होनी चाहिए, तो वो खाली ऐसे रख दिया, उसको बैठने नहीं। चलो ठीक है, आपने रिजर्वेशन रखा होगा, हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, कुर्सी हमारी, रिजर्वेशन आपका, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। साथियों, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दो बातें केस में लिखी। नंबर एक, 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता, और दूसरी, ईवीएम मशीन में 4 बड़े फॉल्ट है, दोष है। ये 4 बड़े फॉल्ट क्या है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया क्या फॉल्ट है। पहला फॉल्ट,
वोटर वोट डालने के लिए जाता है, बटन दबाता है, लाइट जलता है, बीप का आवाज होता है और आंखों से दिखाई नहीं देता वोट किसके नाम पर जमा हो गया। पहले बैलेट पेपर हुआ करता था कागज का, और आप लोग वोट डालने के लिए जाते थे और चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे, तो आप घर से वोट डालने के लिए जब जाते थे सोचकर कि फला कैंडिडेट को वोट देना है, तो वो देखते थे कि फला कैंडिडेट का चुनाव निशान कहाँ है, आप देखते थे चुनाव निशान कहाँ है, दोनों आंखों से देखते, देखने के बाद मोहर उठाते, स्टैंप उठाते और वहां लगाते, लगाने के बाद मोहर सही जगह लगी है या नहीं लगी दोबारा देखते और देखकर इंश्योर करते, खातरी करते, गारंटी करते कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया स्टैंप उसी पर लगा है या नहीं लगा है, देखते। और जब तसल्ली होती कि हाँ बराबर लगा हुआ है तो इसको फोल्ड करते, फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डालते और निश्चिंत तो होकर घर में जाते कि मेरा वोट मैंने जिस कैंडिडेट को दिया था उसी कैंडिडेट को मिला है, आपको गारंटी होती, निश्चिंत होकर घर में जाते। मगर ईवीएम मशीन आई, आप बटन दबाते हो, लाइट जलता है, बीप का आवाज होता है, मगर आंखों से दिखाई नहीं देता वोट कहाँ गया, वोट किसके नाम पर जमा हो गया। अगर अनपढ़ आदमी वोट डालने के लिए जाए, बटन दबाता है, लाइट जलता है, बीप का आवाज होता है, मगर जब उसको आंखों से दिखाई नहीं देता तो क्या करता है, कहाँ गया भाई वोट मेरा, उसको कहाँ गया, तो अनपढ़ आदमी उसको पता है नहीं, तो वो देखता इधर उधर देखता, तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आते उसको कहते बाबा हो गया, तो बाबा बोलता अच्छा हो गया, हाँ हो गया, अच्छा कहाँ से आए, इधर से आए, हाँ इधर जाओ, तो ये सोचते सोचते जाता कि हाले इन लोगों ने मेरे वोट को चुना तो नहीं लगाया, धोखाधड़ी तो नहीं किया, हजारों लाखों करोड़ लोगों ने सोचा और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि वोट जो है ए ईवीएम मशीन के अंदर जाने के बाद वोटर्स को आंखों से दिखाई नहीं देता, जब वोट मशीन के अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद वो किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, वो एक काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, चलो मैं सबूत दे देता हूं आप लोगों को मालूम हो जाए, इसलिए कोई काल्पनिक कहानी नहीं कह रहा हूं मैं, भारत में हर चीज के सबूत देता हूं, भारत भर में हर बात के सबूत, सुप्रीम कोर्ट में भी दिए, चुनाव आयोग ने मेरे किसी सवाल का आज तक कोई जवाब नहीं दिया, बाकी अहरे गहरे नत्थू खैरे का तो कोई मतलब है नहीं है, अरे चुनाव आयोग ने अभी तक मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, तो 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद विधानसभा का हुआ था महाराष्ट्र में, तो अमरावती में प्रोफेसर राणे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को बूथ पर वोट डालने के लिए लेके गए और बीवी को साथ में लेकर गए, खुद गए वोट डाले डलवाए और उसके बाद काउंटिंग हुआ तो जीरो वोट निकला, इतने सारे लोगों के वोट डाले बूथ में तो जीरो वोट निकला,
जब हीरो ऊंट निकला तो उसने पत्रकारों को बुलाया और पत्रकारों को कहा कि इतने सारे लोगों ने मुझे वोट दिया, फिर भी मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि मेरे पड़ोसियों ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, मेरे समर्थकों ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, मैं ये सब मानने के लिए तैयार हूं। इवन मेरे बीवी ने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा, कभी कभार मैंने जिंदगी में उसको झापड़ झूपड़ मारा होगा, मुझे याद नहीं है मारा कि नहीं मारा, मगर मार खाने वाले लोगों को याद रहता है, हो सकता है इसी वजह से उसने ये सोचा होगा कि रानी को सबक सिखाने का अच्छा मौका है, तो शायद उसने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा, ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मगर मैं प्रोफेसर हूँ, गधा नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ गधा नहीं हूँ कि अपने आप को वोट नहीं डालूंगा। अरे कम से कम ईवीएम मशीन से एक वोट तो निकालते कि प्रोफेसर को एक वोट पड़ा, एक तो निकालते। पत्रकारों को प्रोफेसर ने कहा, प्रोफेसर ने जब कहा पत्रकारों को तो पत्रकारों ने प्रोफेसर को कहा, हाँ कम से कम एक वोट जरूर निकाला जाना चाहिए था, एक भी नहीं निकाला, आपके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। पत्रकारों ने प्रोफेसर को कहा, प्रोफेसर ने सोचा अरे इन पत्रकारों ने अगर मुझे अचार परोसा होता तो साला चाट लेता, सहानुभूति को तो चाट भी नहीं सकता। वहां से उसने मुझे टेलीफोन किया कि मेश्राम जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, क्या करूं? मैंने कहा रिटर्निंग ऑफिसर को एप्लीकेशन दे दे और पैसा भर दे, सारे बूथ का डाटा मांग ले। अधिकारियों ने सारे बूथ का डाटा उसको दे दिया और उस बूथ पर जीरो वोट निकला, वो भी अधिकारी ने लिख कर दे दिया। तो रिटर्निंग ऑफिसर का लिख कर देना चुनाव आयोग का लिख कर देना माना जाता है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया, मैं जो आपको बता रहा हूं कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। भारत में ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, एक ही आदमी के पास सबूत है डॉक्यूमेंट्री, और उस आदमी का नाम है वामन मेश्राम, किसी के पास नहीं है। तो ईवीएम मशीन के अंदर वोट जाने के बाद वो वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, ये मेरे पास दस्तावेजी सबूत है, काल्पनिक कहानी नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा ये पहला दोष फॉल्ट ईवीएम का है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोट किया। दूसरा दोष ये कि जब आप बैलेट पेपर में वोट डालने के लिए जाते थे तो वो बैलेट बॉक्स में डालते थे और 6 महीने तक ये फिजिकल एविडेंस रहता था, फिजिकल एविडेंस रहता था बैलेट पेपर में। जब आप वोट डालते हो ईवीएम मशीन में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आपका वोट जाता है, उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं रहता। फिजिकल एविडेंस का क्या मतलब है? ये जो बैलेट पेपर होता था इसका आकार होता है, इसका वजन होता है, इसका साइज होता है, और ये आंखों से दिखाई देता है, ये पंखा हवा फेंक रहा है, दिखती आंखों से नहीं, आंखों से हवा दिखती नहीं है, इसका मतलब है उसका फिजिकल एविडेंस नहीं है। ये आंखों से दिखती है इसलिए इसका फिजिकल एविडेंस है, काल्पनिक नहीं है। तो ये ईवीएम मशीन में जाने के बाद वोट उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है। ईवीएम मशीन बैलेट पेपर में रहता था, ईवीएम मशीन में नहीं रहता है। तो फिर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का क्या मतलब? संख्या। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का क्या मतलब? संख्या।
मान लो पहली संख्या बीजेपी की एक है और दूसरा कांग्रेस का एक है, तो ये कांग्रेस का जो एक है वो बीजेपी के वोट में जाके मिल जाता है, बीजेपी के दो हो जाते हैं और कांग्रेस का जीरो हो जाता है, क्योंकि संख्या है। फिजिकल एविडेंस होता तो अवरोध खड़ा होता। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कमल के फूल पर स्टैंप मारा और आपने बैलेट बॉक्स में डाल दिया, आपने पंजे पे वोट मारा आपने बैलेट बॉक्स में डाल दिया, दोनों का फिजिकल एविडेंस है, पंजे पर स्टैंप लगा है, कमल के फूल पर स्टैंप लगा है, कमल के फूल पर स्टैंप लगा हुआ कागज वोट है और ये पंजे का है, पंजे के वोट का अलग एविडेंस है, कमल के फूल का अलग एविडेंस है, पंजे के वोट का एविडेंस फिजिकल होने से दूसरे कमल के फूल में मिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग अलग एविडेंस है। और कमल के फूल को कांग्रेस में मिक्स नहीं किया जा सकता, कांग्रेस को बीजेपी में मिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों का फिजिकल एविडेंस अलग अलग है। मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में केवल संख्या है, केवल संख्या है, एक की संख्या में दूसरी संख्या जाकर मिल जाती है। कागज का अवरोध होता है, संख्या का अवरोध होता नहीं है, वो मिल जाता है और इस तरह से घोटाला हो जाता है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कही, चीफ जस्टिस ने दूसरे नंबर का फैसला, काल्पनिक बातें नहीं, और ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और चीफ जस्टिस के सामने हुई, अरे गहरे नथु खैरे के सामने नहीं हुई। इसे समझने की जरूरत है, भारत के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अदालत नहीं है, सबसे बड़ी अदालत है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा ये दूसरा फॉल्ट है, और तीसरा फॉल्ट फिजिकल एविडेंस नहीं तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता। ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं होता है इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। अच्छा, फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है? हमारे लोगों को चुनाव लड़ने की बहुत खुजली है, मैं देहात का रहने वाला हूँ, चुनाव लड़ने के लिए जमीन बेचता है हमारा आदमी, बहुजन जमीन बेच के चुनाव लड़ता है, मगर जानकारी नहीं उसके पास कुछ, चुनाव लड़ने की बहुत खुजली है। फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है बताता, पहले वोट बैलेट पेपर पर चुनाव होता था, तो कभी कभी कैंडिडेट हार जाता था, हारा हुआ कैंडिडेट कहता था नहीं मुझे ये रिजल्ट मंजूर नहीं है, दोबारा गिनती करो, दोबारा गिनती होती थी। दोबारा गिनती करने का तरीका क्या होता था, जो 25-25 के गट्ठे बांधे जाते थे, खोले जाते थे, ऐसे खोले जाते और एक एक बैलेट पेपर उठाया जाता, गट्ठे से 25 के गट्ठे से एक उठाया, हाँ किसका है, कमल का, चलो कमल के फूल में रखो, पंजा चलो पंजे में रखो, झाड़ू वाला चलो झाड़ू वाले में रखो, हाथी वाला हाथी वाले में रखो, घड़िया चलो ये राष्ट्रवादी में रखो, ये उठाना, आंखों से देखना, फिर वेरिफिकेशन करना, सत्यापन करना और अपने अपने पार्टी के कैंडिडेट के अकाउंट में वोट डालना, इस सारी प्रक्रिया को कानूनी भाषा में फिजिकल वेरिफिकेशन बोलते हैं, भौतिक सत्यापन बोलते हैं। ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं होता है, जब फिजिकल एविडेंस नहीं होता है तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है, जब फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है तो जानते हो क्या होता है, मान लो 11 कैंडिडेट खड़े हैं, 11 के 11 कैंडिडेट का वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, एक आदमी का नहीं,
ग्यारह के ग्यारह कैंडिडेट का नाम दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है और पता भी नहीं चलता, पकड़ा भी नहीं जा सकता। क्यों क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? क्योंकि फिजिकल एविडेंस नहीं है। फिजिकल एविडेंस नहीं है तो फिजिकल अवरोध खड़ा नहीं किया जा सकता, अलग अलग दिखाया नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि कागजी एविडेंस नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा तीसरे नंबर का फॉल्ट। चौथे नंबर का फॉल्ट, फिजिकल एविडेंस नहीं तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं तो ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग की व्यवस्था ही नहीं, फिर से गिनती करने की व्यवस्था ही नहीं। फिर से गिनती करने की व्यवस्था ईवीएम मशीन में क्यों नहीं? अगर फिर से गिनती करने की व्यवस्था रखी गई होती तो चोरी पकड़ी गई होती, सारी की सारी चोरी पकड़ी गई होती। इसलिए ईवीएम मशीन में फिर से गिनती करने की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा, चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार मनमोहन सिंह की सरकार को नोटिस इशू किया और चुनाव आयोग को नोटिस इशू किया, दो लोगों को नोटिस इशू किया, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग। केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, जब ये नोटिस गई तो कांग्रेस की सरकार में हड़कंप मच गया कि हमने 4 और 9 में घोटाला करके चुनाव जीता और इसके सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दिए। वो हड़कंप मच गया। जब हड़कंप मच गया तो कांग्रेस ने सोचा कि जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, असंवैधानिक घोषित किया, भारत का सुप्रीम कोर्ट ईवीएम मशीन को संवैधानिक घोषित नहीं कर सकता, इसलिए कांग्रेस ने जज को मैनेज करने का प्लान बनाया सुप्रीम कोर्ट के। और जब वो जज को मैनेज करने में कामयाब हो गए, वो जज जब रिटायर्ड हो गया तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, जब रिटायर्ड हो गया तो नरेंद्र मोदी ने उस जज को केरला का गवर्नर बनाया, कांग्रेस ने मैनेज किया, बीजेपी ने उसको गवर्नर बनाया। इसका मतलब है कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, ए चचेरे चचेरे, मौसेरे मौसेरे, ए भाई भाई। तो इन लोगों ने ये सारा प्लान बनाया हुआ। दूसरे नंबर पर कांग्रेस ने सोचा अब ठीक हो गया है। इतने में बड़ी खबर आई, सीक्रेट एजेंसियों ने भारत सरकार को जानकारी दी कि अडवाणी जी नरेंद्रा बाबू नायडू के साथ मिलकर ईवीएम के विरोध में देशव्यापी यात्रा निकालने वाले हैं। तो कांग्रेस की सरकार के हाथ पांव फूल गए, उनको लगा सारे देश के दफ्तरों में कांग्रेस के आग लग जाएगी, खतरा पैदा है, अडवाणी जी को रोकना होगा। कांग्रेस के लोग नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर में गए और आरएसएस के लोगों को कहा अडवाणी जी को रोको, राष्ट्रहित में देश हित में आप लोग देशभक्त हो, आरएसएस के लोग हो आप देशभक्त हो, अरे आप ही तो देशभक्त रह गए हैं, बाकी कौन है देशभक्त अब भारत में, बाकी तो सब देशद्रोही लोग है, आप ही न केवल देशभक्त लोग है। कांग्रेस ने आरएसएस के लोगों को कहा कि आपको अडवाणी जी को रोकना होगा, तो आरएसएस ने कहा रोकेंगे। तब से आरएसएस ने रोक लगाया हुआ है, अडवाणी जी जो है तब से रोका हुआ है, नहीं तो अटल बिहारी से अच्छी सेहत है, अटल बिहारी के घुटने की वाटी निकल गई थी फिर भी प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ा, सेहत अडवाणी की अच्छी थी उसको नहीं दिया, वाटी प्लास्टिक की लगाकर प्रधानमंत्री रहा, खुराना को अमेरिका से बुलाकर
आप लोगों को मालूम है नहीं है पता नहीं, मगर मैं तो जानता हूं। अडवाणी जी की सेहत है मगर आरएसएस ने उसको चुप करा के रखा हुआ है, वेटो पावर का इस्तेमाल करके चुप करके रखा हुआ है। तो आरएसएस ने कांग्रेस को कहा ठीक है आडवाणी जी को रोकेंगे, हमें क्या फायदा होगा? कांग्रेस ने कहा आपको भी फायदा होगा। क्या फायदा होगा? तो कांग्रेस ने कहा 2014 का चुनाव आप घोटाला करके जीतो, हमने 4 और 9 का घोटाला हमने किया, आप 2014 का घोटाला करके जीतो। आरएसएस ने कहा अरे आपने 2 बार घोटाला किया, आप हमको कई बार घोटाले की बात कह रहे हो, बराबरी की बात नहीं है। अरे कांग्रेस ने आरएसएस को कहा नहीं हम सोच रहे थे आप देशभक्त लोग हैं शायद घोटाले में शामिल नहीं होंगे, इसलिए कई बार का प्रस्ताव रखा, आप तो देशभक्त लोग हैं ना, हमें क्या मालूम था कि देशभक्त लोग भी घोटाले में शामिल हो जाते हैं, पहले से मालूम होता तो 2 बार का आपको प्रस्ताव दे देते। काहे बात जाने दो, आपने 2 बार घोटाला किया, 2 बार हमें भी घोटाला करने का मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस ने कहा ठीक है हमें मंजूर है, कोई इतराज नहीं है, 2 बार हमने घोटाला किया, आप चुप रहो, आप 14 और 19 को आप घोटाला करो, हम चुप रहते, तेरी भी चुप मेरी भी चुप चिड़ी चुप। सोनिया नहीं बोल रही, प्रियंका नहीं बोल रही है, राहुल ने तो बोलना नहीं है इसलिए इस्तीफा देकर चले गए। कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कुछ नहीं बोल रहा है। साथियों ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि इसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, ये आरएसएस इस काम में सहभागी है, और इसलिए अगर मेरा झूठ होता तो आरएसएस वालों ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया हुआ है वैसा मेरे खिलाफ भी कर लेते। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर आरएसएस ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया तो मेरे ऊपर भी कर लेते। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको मालूम है वामन मेश्राम के पास सबूत है, लेने के देने कोर्ट में पड़ जाएंगे, इसलिए मेरे झंझट में वो नहीं पड़ रहे। केवल सबूत नहीं, सारी सिलसिलेवार कहानी है और उस कहानी को सिद्ध करने के सबूत है, क्रोनोलॉजिकल सबूत है सारे के सारे। साथियों मैं आपको आज जब ये बातें हुई तो केंद्र सरकार ने कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस को कहा चलो ठीक है हमारा तो हो गया है, सुब्रमण्यम स्वामी को कैसे चुप किया जाए? आरएसएस ने कहा उसकी चिंता आप मत करो, वो हमारा पुराना जनसंघी आदमी है, अटल बिहारी के साथ उसका झगड़ा हो गया था, चलो उसको हम निमंत्रण दे देते हैं बीजेपी में आ जाएगा। आरएसएस ने उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का वादा किया, जब बहुमत मिला तो नरेंद्र मोदी ने कहा जो 75 साल से ज्यादा हो गए हैं उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, स्वामी का पत्ता काट दिया, स्वामी को कहा वाइस चांसलर बन जाओ, स्वामी को कहा हाई कमिश्नर अमेरिका में बन जाओ, स्वामी ने बीजेपी वालों को कहा मुझे राजनीति से दूर करना चाहते हो, मैं राजनीति से दूर होने वाला नहीं हूं, मैं राजनीति में ही रहूंगा। तो फिर उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया और अभी वो राज्यसभा के मेंबर में है। जीवीएल नरसिंह राव जिसने डाटा कलेक्ट किया, वो डाटा कलेक्ट करने वाले आदमी को भी राज्यसभा का मेंबर बनाया, वो भी अभी भी है, नाम लेके बोल रहा हूं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर केस दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, सुब्रमण्यम स्वामी बहुत एरोगेंट आदमी है, मैं उसका नाम लेके बोल रहा हूं,
अगर उसकी औकात है तो वो मेरे खिलाफ एफ आई आर कर ले, मेरे खिलाफ केस दायर करके दिखा। जब किसी ने उसको कहा सोशल मीडिया में मेरे रेफरेंस में कि वो ऐसा कह रहा है, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा सोशल मीडिया में, अरे वो वामन मिश्रा तो पागल आदमी है, अरे वामन मिश्रा तो पागल आदमी है, कुछ भी बोलते रहता है। पागल आदमी के पैंट शर्ट नहीं होता, कोट टाई नहीं होता, होता है तो फाड़ देता है, कोट टाई होता तो उसको चौराहे पे जाके फाड़ देता है, पत्थरे उठाकर लोगों को मारता है। तो उनको मालूम है, मेरे पास सबूत है कि इन लोगों का समझौता है ईवीएम मशीन के बारे में चुप रहने का। साथियों, चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया ईवीएम पॉलिटी। हमारे देश के मीडिया ने, अखबार वालों ने, टीवी वालों ने, अगर सारे देश वालों ने, मीडिया वालों ने खबर छापी होती तो सारे लोगों को खबर हो गई होती कि ईवीएम में घोटाला होता है। चुनाव आयोग ने, भारत के मीडिया ने कोई खबर नहीं छापी। इसलिए मैं मीडिया को, जो भारत का मीडिया है अखबार वाला टीवी वाला, उसको एंटी नेशनल कहता हूं, राष्ट्रद्रोही कहता हूं मीडिया वालों को। दो ढाई महीने से कह रहा हूं, उन्होंने भी कोई केस दायर नहीं किया। मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को दिल्ली में कह दिया, वो मेरे ऊपर केस नहीं कर रहे हैं, चलो मैं ही कर देता हूं। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में मैंने केस करने के लिए मेरे वकील को नोटिस दे दिया कि हम ही केस करते हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को कोर्ट में कहा, डॉक्टर साहब आपकी बात मान लेते हैं ईवीएम फॉल्टी, मगर एक बात, अगर ये मशीन चुनाव में रखा जाए तो इस मशीन में क्या सुधार करने के लिए आपके पास कोई सुझाव है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा, सुझाव है क्या? सुझाव है, जज ने पूछा, क्या सुझाव है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा कि हमारे देश में ईवीएम मशीन आने के पहले एटीएम मशीन थी। जज, हाँ, एटीएम मशीन। एटीएम मशीन में जब कोई आदमी अपना पैसा निकालने के लिए जाता है तो रसीद आती है, 1 तारीख को 12:13, 14 सेकंड को आपने 5,000 रुपये निकाला, आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया था, 95,000 पैसा आपके अकाउंट में बाकी है, रसीद में आता। रसीद में आने के बाद वो रसीद काट कर देखता और देखने के बाद उसकी तसल्ली हो जाती कि हाँ, एटीएम मशीन ईमानदारी से काम करता है। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा, ईवीएम मशीन एटीएम मशीन के बाद में आई, ईवीएम मशीन एटीएम मशीन के बाद में आई, और यदि एटीएम मशीन ग्राहक को रसीद देती है और बताती है कि आपका पैसा निकाला और अकाउंट में बाकी इतना है, टाइम सब कुछ बताती है, अगर एटीएम मशीन ईवीएम के पहले भारत में थी, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, जापान से टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश में ही टेक्नोलॉजी है, और अगर है तो एटीएम मशीन की तरह ईवीएम मशीन
मतदाता को बटन दबाने के बाद रसीद क्यों नहीं देती कि मैंने किस कैंडिडेट को वोट दिया। जब एटीएम मशीन दे सकती है तो ईवीएम मशीन तो बाद में आई, एटीएम तो पहले है। वो एटीएम मशीन अगर रसीद दे सकती है तो मतदाता को ईवीएम मशीन रसीद क्यों नहीं देती। दूसरी बात, जब टेक्नोलॉजी हमारे देश में ही है, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, जापान से लाने की जरूरत नहीं है, तो ये टेक्नोलॉजी ईवीएम मशीन बनाने वाले लोगों ने ईवीएम में क्यों नहीं लगाई। टेक्नोलॉजी तो हमारे देश में ही है, तो ये टेक्नोलॉजी ईवीएम मशीन वालों ने ईवीएम में क्यों नहीं लगाई। जज को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा क्यों नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा ऑर्डर, आदेश दिया जाता है चुनाव आयोग को एटीएम की टेक्नोलॉजी ईवीएम में लगाए। ऑर्डर हो गया सुप्रीम कोर्ट का, चुनाव आयोग ने मशीन बनाई, मशीन का नाम रखा VVPAT, नई मशीन बनाई, मशीन का नाम रखा VVPAT, वी फॉर वोटर, वी फॉर वेरिफिएबल, पी फॉर पेपर, ए फॉर ऑडिट, टी फॉर ट्रेन। मशीन बनाई ईवीएम मशीन, चुनाव आयोग ने नागालैंड में लेकर गए, वहां प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, डॉक्यूमेंट तैयार किया और वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 1 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट को दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अभ्यास किया और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ए जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया, आदेश दिया, क्या दे दिया, 2014 के चुनाव अकेले ईवीएम मशीन पर चुनाव नहीं होगा, ईवीएम मशीन के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाएगा, दिया आदेश। मगर चुनाव आयोग ने 2014 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जिसने केस दायर किया उसने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने उसको राज्यसभा का मेंबर बनाकर चुप कर दिया। ईवीएल नरसिंह राव को राज्यसभा का मेंबर बनाकर चुप कर दिया। जिस जज ने ये जजमेंट लिखा, पी सदाशिवम को केरला का गवर्नर बनाया, जानकार लोग चुप हो गए, चुप करा दिए गए। आरएसएस के लोग इसलिए चुप हो गए क्योंकि उनको कांग्रेस ने वादा किया कि दो बार तुम घोटाला कर लो, दो बार हमने घोटाला किया, आरएसएस भी चुप हो गया, देशभक्त लोग भी चुप हो गए। नहीं तो बहुत 370 के बारे में बहुत चिल्लाते रहते हैं। आरएसएस के पुरखों ने, ब्राह्मणों ने भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव पारित किया, पाकिस्तान बनाया, ब्राह्मणों ने भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव किया, भारत के टुकड़े किए, वो लोग जो देशभक्त है चुप हो गए। साथियों, उन्होंने भी पूछा, आप लोगों को कौन जानकारी देगा, जब देशभक्त लोग चुप हो गए तो आपको जानकारी कौन देगा, कोई देने वाला नहीं बचा। 16 मई 2014 को रिजल्ट आया, बीजेपी को 31% वोट पड़े और 31% वोटों के आधार पर 283 सीटें बीजेपी को मिली। भारत के चुनावी सांसदीय इतिहास में 31% वोटों के आधार पर आज तक किसी भी पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी 272 सीटें नहीं मिली 31% पर, मगर भाई बीजेपी को 283 मिली, 11 सीटें ज्यादा मिली। सारे डाटा के साथ बोल रहा हूं,
सारा का सारा डाटा हमारे पास है, ये सारा सुप्रीम कोर्ट दिया जा चुका है। आप लोगों को क्या मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया गया है? साथियों, तो हमको समझ में आया ये तो घोटाले का मामला है। मैंने इसके विरोध में 2014 में जून महीने में अभियान शुरू कर दिया ईवीएम के घोटाले का, 14 में। मैं जब दादर में भाषण कर रहा था, बॉम्बे में है दादर, वो एक नौजवान लड़का इकोनॉमिक टाइम्स नाम का अंग्रेजी अखबार लेकर मेरे डाइस पर आ गया। मैंने कहा क्या है? कहा बड़ी खबर है, पढ़ ले। मेरा भाषण समाप्त होने के बाद मैंने इकोनॉमिक टाइम्स की खबर पढ़ी। खबर में लिखा था कि चुनाव आयोग ने 8 लाख ईवीएम मशीन को कबाड़ में, भंगार में, स्क्रैप में बेचने का आदेश दिया। जिन मशीनों पर 16 मई 2014 को रिजल्ट निकाला गया लोकसभा का, वो मशीनें 1 महीने में कबाड़ कैसे हो गई, भंगार कैसे हो गई, स्क्रैप कैसे हो गई? मैं हाई कोर्ट के लॉयर के पास गया, कहा कि मुझे केस करना है। वकील ने कहा क्या सबूत है? मैं कहा ये अखबार की खबर है। कहा अखबार की खबर को हाई कोर्ट सबूत नहीं मानती, कोई ठोस सबूत ले आ। मैंने चुनाव आयोग को आरटीआई में लेटर लिखा, कहा कि इकोनॉमिक टाइम्स में ऐसी खबर छपी हुई है, क्या ये खबर सही है? चुनाव आयोग ने मुझे 1 महीने में लिख कर दिया खबर सही है। चोरों के सरदार ने ही मुझे लिख कर दिया, इसी और में रही, जो चोरों का सरदार है उसी ने लिख कर दिया, और ये लिखा हुआ लेटर मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया। मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है। मैंने इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए सुप्रीम कोर्ट को, आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का मामला पता है नहीं। जब अगर आपके पास सबूत नहीं है तो जज कागज जो है ना फाइल ऐसे वकील के मुंह पर फेंक के मार रहे, फेंक देता है ऐसे वकील के मुंह पर। मेरी केस में क्या हुआ जानते हो? मेरे वकील ने आर्गुमेंट करने के पहले जज ने ऑर्डर इशू किया, चुनाव आयोग के विरोध में नोटिस इशू किया जाता है, आप अंदाजा लगा सकते हो इतने सबूत दिए। मेरे वकील ने आर्गुमेंट किए बगैर ही नोटिस इशू किया, आप अंदाजा लगा सकते हो इतने सबूत दिया। तो इसलिए जब मैं चुनाव आयोग को चोरों का सरदार कहता हूं ना, वो मेरे खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलता। मैं उत्तर प्रदेश में बलिया में भाषण देने के लिए गया, तो मैं स्टेज पर बोल रहा था, कार्यकर्ता ऊपर आया, कहा कि आपका भाषण चुनाव आयोग के लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने उसको कहा देखो अभी 2 मिनट में उसको भगा देता। कहा कि आप तो यहां बैठे कैसे भगाओगे? मैंने कहा तुम देख तो रहो। मैंने जिस विषय पर भाषण शुरू था बंद कर दिया और चुनाव आयोग के विरोध में भाषण शुरू कर दिया। जैसे ही चुनाव आयोग के विरोध में भाषण शुरू कर दिया, तो वो जो भाषण रिकॉर्ड करने वाला आदमी था उसने सोचा कि चुनाव आयोग ने तो वामन मेश्राम को पकड़ने के लिए उसका भाषण रिकॉर्ड करने के लिए भेजा, और वामन मेश्राम तो चुनाव आयोग के ही विरोध में भाषण कर रहा है, अगर वो भाषण मैं रिकॉर्ड करूंगा और वो रिकॉर्ड किया हुआ भाषण चुनाव आयोग को दिखाऊंगा तो वो मुझे पैसा तो नहीं देगा, पिछवाड़े पे जूता जरूर मारेगा। तो उसके गले में गमछा था, उसने गमछा निकाला, जो वीडियो था उसके ऊपर डाला और लपेट कर झोले में डाल के इधर उधर देख के भाग गया। तो दौड़ता हुआ कार्यकर्ता ऊपर आया कि सर वो चला गया, भाग गया। मैंने कहा तेरे पहले मैंने देखा, क्योंकि ऊपर से मैं उसके लिए ही भाषण कर रहा था, किसी के लिए भाषण नहीं कर रहा था, वो भागता कैसा नहीं। चुनाव आयोग से सारे राजनीतिक दल डरते हैं,
एक चुनाव आयोग है जो वामन में इस्लाम को डरता है, बाकी किसी को नहीं डरता। और इसीलिए कहता हूं एक ईवीएम मशीन चोर है, 13 लाख ईवीएम मशीन लगाई जाती है, 13 लाख चोर चुनाव आयोग मैदान में उतारता है, वो चुनाव आयोग चोरों का सरदार। ईवीएम चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। चुनाव आयोग ने लंदन में सैयद सुजा के ऊपर एफआईआर दाखिल किया। अरे मैंने कहा चुनाव आयोग, अबे वो तो लंदन में है, तू दिल्ली में एफआईआर दाखिल कर रही है उसके खिलाफ में, मैं तो इधर छू, मेरे खिलाफ भी तो कर ले एफआईआर। मेरे खिलाफ कोई एफआईआर अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं किया, क्योंकि मेरी फाइल चुनाव आयोग के पास पड़ी हुई है जिसका उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अरे मेरे सवालों का अभी तक जब कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे खिलाफ क्या एफआईआर कर लेगा। साथियों, जब चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया ये मशीन फॉल्टी है, और उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और ऑर्डर देने के बाद की कहानी आपको मैं समझा रहा हूं। उसके बाद जब उन्होंने लिख कर दिया, उसके बाद दूसरा सवाल पूछा, वो भी बहुत अहम है, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए इसलिए बता रहा। मैंने क्या पूछा, चुनाव कमिश्नर आईएएस अधिकारी होते, वो नॉन टेक्निकल ऑफिसर होते हैं, ईवीएम मशीन टेक्निकल होती है, और टेक्निकल मशीन को आईएएस अधिकारी नॉन टेक्निकल होने की वजह से वो कॉम्पिटेंट नहीं है उसको भंगार घोषित करने के लिए, कोई टेक्निकल आदमी ही उसे भंगार घोषित कर सकता है, कबाड़ घोषित कर सकता है। तो मैंने पूछा, आपने कोई टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनाई, कितने लोगों की बनाई, उसके नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका लैंडलाइन नंबर क्या है, उसका पोस्टल एड्रेस क्या है, पैसा लिया जाए और मुझे दिया जाए, अभी तक नहीं दिया। दूसरा सवाल पूछा, तुमने इतने 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 हजार करोड़ की ईवीएम मशीन खरीदी, अरे 4-5 हजार रुपए का मोबाइल खरीदा जाता है तो कंपनी वारंटी गारंटी कार्ड लिखकर देती है, तुमको कई हजार करोड़ की मशीनें खरीदी, वारंटी गारंटी कार्ड लिखकर दिया होगा, तो वो जो वारंटी गारंटी कार्ड है उसका जेरोक्स कॉपी मुझे देना टेस्ट करके। तो उसने सोचा चुनाव आयोग ने, अरे ये जो कॉपी दे दिया जाए और अगर उसमें लिखा हो कि ये मशीन 15 तक चल सकती है, 16 तक चल सकती है, तो वामन मेश्राम तीसरा सवाल पूछेगा, तो फिर 14 को इसे कबाड़ कैसे घोषित किया जब 15 तक चल सकती है, 16 तक चल सकती है, तो कबाड़ क्यों घोषित किया। कबाड़ इसलिए घोषित किया, चुनाव आयोग को मालूम था कि ईवीएम मशीन में जो सॉफ्टवेयर है, जो डाटा है, उसमें वोटों का डाटा है और वोटों के घोटाले के सबूत उसमें हैं, और यदि कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट गया, ईवीएम को सील लगाने का आदेश ले आया, तो सारा का सारा लेने के देने पड़ जाएंगे, चुनाव आयोग के लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी, इसलिए देने से मना कर दिया। उसके बाद मैंने लेटर लिखा, जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, क्यों नहीं लगाए, तो चुनाव आयोग ने लिख कर दिया कि नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेल मशीन खरीदी करने के लिए पैसा नहीं दे रहा है, नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेल मशीन खरीदी करने के लिए पैसा नहीं दे रहा है। जब चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया तो मैंने कहा उनको, नरेंद्र मोदी के बाप का पैसा है, ये जो भारत के ट्रेजरी में पैसा जमा होता है, ये भारत के आम आदमी का पैसा, केवल उद्योगपति का नहीं, आम आदमी नमक खाता है, नमक के ऊपर टैक्स लगता है, गरीब का भी टैक्स ट्रेजरी में जमा है, तो नरेंद्र मोदी उस पैसे का मालिक थोड़ी हो सकता है, वो केवल ट्रस्टी है और कानून के अनुसार उस पैसे का विनियोग करने का अधिकारी है, पैसा कहीं नहीं कैसे नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करते ही नरेंद्र मोदी ने 3,567 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया।
तो समझ में आ रहा है? न चुनाव आयोग बोल रहा है नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा, बे महीने का पैसा नहीं दे रहा, उसके बाप का पैसा है नरेंद्र मोदी के, हैं? ये सारे देश के लोगों का टैक्स का पैसा है। और संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री केवल ट्रस्टी होता है और पैसे का विनियोग राज्यसभा में बजट पास करने के बाद ही कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए, खरीदी करने के लिए पैसा दिया जाए, नरेंद्र मोदी कैसे नहीं देता है? केस दायर कर दिया, 3,567 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने रिलीज कर दिया। चुनाव आयोग को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आप सुनकर कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 2019 के चुनाव में हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगी होगी, ये जो लगी थी ना 19 में, ए वामन में इस्लाम ने लगवाई। अहरिया गहरिया नत्थू खैरे ने नहीं लगाई, वामन में इस्लाम ने। देखो ऑर्डर, और सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर ऐसे ही नहीं मिलता है, मेरे पास सबूत होंगे, सबूत सुप्रीम कोर्ट ने माने होंगे। हैं? बच्चों का खेल है गिल्ली डंडू का। जब मैंने केस का ड्राफ्ट तैयार किया तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने पूछा किसने लिखा, कहा मैंने, कहा आप वकालत कितनी पढ़े, कहा कुछ भी नहीं। अरे वकालत कुछ भी नहीं पढ़े और आपने लिखा? मैंने कहा अगर मैंने नहीं लिखा और किसी और वकील से लिखवाया होता तो फिर तो केस उसी वकील को देता, तेरे पास क्यों आता? है? कुछ समझ आ रहा? अरे मेरे पास सर्टिफिकेट होता तो मैं खुद ही खड़ा नहीं होता कोर्ट में, तेरे पास सर्टिफिकेट इसलिए आया भाई। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई वकील है तो वकील को केस भी हम ही लिख कर देते हैं, आर्गुमेंट क्या करना वो भी लिख कर देता हूं, कहता पैसा जो चाहे ले लेना, मुंह हमारे हिसाब से चलाना, जो हम लिख कर देते वही कहना। अब केस कैसे जीतते नहीं देखना साथियों, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, ये तो आपके सामने ऑर्डर की कॉपियां दे रहा हूं। और फिर 2019 के चुनाव में लगा, जिस पेपर ट्रेल मशीन को मैंने लगाया उस पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की गिनती नहीं होगी, ये कानून कांग्रेस ने बीजेपी को चुनाव जीतने आने के लिए फरवरी 2014 में पास किया, 56C, 56D, 49MA। ये कानून कांग्रेस ने 2014 में पास किया और बीजेपी को जीतने का रास्ता साफ किया। मेरे पास कांग्रेस ने ये कानून पास किए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। चुनाव आयोग ने प्रस्ताव भेजा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कांग्रेस ने ये पास किया, आप लोग सोचते हो बीजेपी बदमाश है, बीजेपी बदमाश है, बीजेपी बदमाश है। अरे तो वो तो साले नंगे लोग हैं, बीजेपी वाले नंगे लोग हैं। नंगे कैसे? मुसलमान को पकड़ते, मुसलमान को मारते, उसकी हत्या कर देते, फिर वीडियो बनाते, फिर वीडियो को सोशल मीडिया में डालते, सारी दुनिया को मालूम हो जाता है ना नंगे, है कि नहीं नंगे? बीजेपी के लोग तो नंगे लोग हैं, कांग्रेस वाले सब कुछ करते हैं, मुझे तो पता ही। कांग्रेस वाले सब कुछ करते हैं, दुनिया का पाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, नहीं हमें तो पता ही नहीं, आप बता रहे हो अभी मालूम हो रहा है हमको। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। बॉम्बे में इस बड़े लीडर ने हमको कहा कि आपके भाषण से कांग्रेस वाले बहुत दुखी,
मैंने कहा मैं तो लोकतंत्र को बचाने के लिए बोल रहा हूँ भाई, कांग्रेस को दुखी करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। कांग्रेस को दुखी करना मेरा पर्पज नहीं है। ईवीएम मशीन खत्म हो जाए, लोकतंत्र बच जाए, संविधान बच जाए, लोगों के वोट का अधिकार बच जाए, इसके लिए कह रहा हूं। आप विरोधी पार्टी में हैं कांग्रेस वाले और संसद में ईवीएम के विरोध में हंगामा नहीं कर रहे। अरे चार दिन अगर कांग्रेस वाले संसद में हंगामा कर दे, चार दिन में ईवीएम गायब हो जाएगी। विरोधी पार्टी चुप है इसलिए ईवीएम मशीन चल रही है, अन्यथा ईवीएम मशीन नहीं चल सकती। विरोधी पार्टी की वजह से चल रही है, इसलिए मैंने 56 सी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में 2018 में केस दायर कर दिया। जब केस दायर कर दिया तो कांग्रेस वालों को लगा अरे वामन मेश्राम की वजह से बीजेपी चुनाव हार जाएगी। कांग्रेस वालों को दुख हुआ, अरे वामन मेश्राम के 56 सी को अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। कांग्रेस वाले मैदान में उतर गए और फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया और केस में कहा कि ईवीएम मशीन को हमारा विरोध नहीं है, पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की 50% मिलान करना होगा। मेरे वकील ने कहा 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया, तुम 50% की बात क्यों कर रहे हो। अरे जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने 100% का ऑर्डर दिया रिकाउंटिंग का, तो तुम 50% मिलान की बात क्यों कर रहे हो। ओ, कांग्रेस वाले बीजेपी को मदद करना चाहते थे कि हमारे दो बार घोटाले के बारे में बीजेपी चुप है, तो दो बार का समझौता हमारा बीजेपी के साथ हुआ इसलिए बीजेपी जीतना चाहिए, देश के सारे मुसलमान बीजेपी हारना चाहिए इसलिए कांग्रेस को वोट दे रहे, मगर कांग्रेस ने तय कर लिया बीजेपी जीतनी चाहिए, तो मुसलमानों के मंसूबों पर पानी फिर। साथियों 23 को रिजल्ट आ गया, क्विंट के सोशल मीडिया ने बताया 373 लोकसभा सीटों में 220 जगह 54 लाख से ज़्यादा वोट निकला और बीजेपी वाले जीते। 153 लोकसभा में कम वोट निकले, चुनाव आयोग के पास वो लोग गए, उन्होंने पूछा कि ये कैसा हुआ, कहा कलेक्टरों ने हमें जो डाटा भेजा हमने धीरे धीरे लोड किया। अरे धीरे धीरे लोड किया तो वोट ज़्यादा कैसे निकल रहा। आप अगर लोड धीरे धीरे कर रहे हो तो ज़्यादा ज़्यादा वोट कैसे निकल रहा। चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी चोरी पकड़ी गई और सिद्ध हो गया चुनाव आयोग इस घोटाले में शामिल। साथियों परिस्थितियां बहुत ज़्यादा खराब, तो इस परिस्थिति को बदलना होगा। अभी तो कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिया था टीवी पर, हमारे पास रिकॉर्ड में है। उद्धव ठाकरे ने जब बयान दिया तो फडणवीस डर गया, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को मैसेज गया उद्धव ठाकरे ने बयान दिया, तो यकाएक नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बना और उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई। उसने जैसे ही बयान दिया नरेंद्र मोदी को लगा रे तो मामला इस हालत बहुत बवाल हो जाएगा, तो नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे से वार्ता कर लिया और वार्ता करने के बाद शायद उसने वादा किया ठीक है 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री होगा, सीटों में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा मगर मुख्यमंत्री 2.5 साल आपका होगा, उसको चुप करा दिया गया। साथियों राज ठाकरे को नोटिस दिया गया, बीजेपी वाले कहते हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी है इंटरनेशनल लेवल का नेता है और अगर नेता है तो छोटा राज ठाकरे से क्यों डर रहा है नरेंद्र मोदी, राज ठाकरे तो छोटा है नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल है। अरे काय का इंटरनेशनल है, ईवीएम मशीन से जो नेता बनता है वो मराठी में पोकड़ होता है, पोकड़ पोकड़ समझ नहीं, पोकड़ इंटरनेशनली पोकड़, इसलिए डर लगता है। साथियों
लोकतंत्र की, वोट के अधिकार की हत्या हो चुकी है। संविधान खत्म कर दिया गया है, खत्म होने वाला नहीं है, खत्म कर दिया गया है। हमारे लोगों को कुछ लोग बताते नहीं, नहीं अभी भविष्य में खत्म होने वाला है, खत्म कर दिया गया है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर चाहिए, वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि वामन मेश्राम प्रचार कर रहा है, कांग्रेस वाले बदमाश उसमें शामिल है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमें बैलेट पेपर चाहिए, तो लोगों को लगे बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं मेश्राम जी, आप कांग्रेस वालों को दोष कैसे दे रहे हैं? अरे भाई बैलेट पेपर तो तब आएगा जब ईवीएम का घोटाला कांग्रेस वाले लोगों को बताएंगे। डायरेक्ट बैलेट पेपर कैसे आएगा? ईवीएम का घोटाला पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद बैलेट पेपर आएगा। वो बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं तो लोगों को बताना चाहते हैं, नहीं नहीं हम घोटाले में शामिल है नहीं है। वामन मेश्राम बता रहा, अरे मैं बता रहा हूँ कल्पना से नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से बता रहा हूँ। साथियों इसको बदलना होगा, इसके लिए आंदोलन करना होगा। आंदोलन करने के लिए आने वाले समय में हम लोग रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर, हमारा सलाह मशवरा उद्धव ठाकरे से भी चल रहा है, राज ठाकरे से भी चल रहा है, पवार साहब से भी चल रहा है। अभी पवार साहब ने श्रीरामपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, पत्रकारों को कहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जब पवार साहब ने कहा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो लोगों को मालूम नहीं है कि पवार साहब के पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो मेरे लिए, मैंने पवार साहब को डॉक्यूमेंट्री। साथियों तो रीजनल पार्टियों के साथ हमारी वार्ता चल रही है, लगभग 20-22 रीजनल पार्टियां, और सारे रीजनल पार्टी के लोग 6 महीने या साल भर में, ज्यादा समय लगेगा, 6 महीना या साल, और ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू होगा। जब आंदोलन शुरू होगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार 5 साल चलेगी, मुझे विश्वास है ये सरकार नहीं चलने वाली, ये सरकार जाएगी, और ये जाए इसके लिए हम कोशिश करेंगे। आप लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। आभार प्रदर्शन प्रमोद सौंदळेकर जी। या ठिकाणी मूलनिवासी पब्लिकेशन स्टॉल, पुस्तकांचा स्टॉल आहे बाहेर, ज्यांना पुस्तके पाहिजे असतील त्यांनी ते घ्यावी। बहुजन क्रांती मोर्चा ची परिवर्तन यात्रा आज आपल्या मुक्ताईनगरमध्ये दाखल झाली, आणि ईव्हीएमबाबत, ईव्हीएममध्ये होणाऱ्या घोटाळ्याबाबत आपल्याला साहेबांनी मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल साहेबांचे आभार। आणि आपण इथं कार्यक्रमाला सर्व मान्यवरांनी उपस्थिती दिली, मान्यवरांचे आभार। तसेच आपण मेश्राम साहेबांना शांत चित्ताने बसून ऐकून घेतलं तरी आपल्या सर्व मुक्ताईनगरवासियांचे आभार। आणि हा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो।